चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज दिन भर से लेके सभी मुख्य समाचार ताजा और दिन भर में सीएम योगी द्वारा किए गए सभी बड़े ऐलानों को। उससे पहले अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले, गांव या फिर शहर के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देख लें, क्योंकि एक एक खबर आपको एकदम विस्तार से बताएंगे और एकदम चुन कर लाई गयी है जो की आपके काम की होने वाली है। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में न्यूड कॉल, ब्लैकमेलिंग, अब डिजिटल अरेस्टिंग, ठगों का नया फॉर्मूला, इंजीनियर महिला को 8 घंटे उलझाया, 11 लाख वसूले डीप फेक से पीएम मोदी का बनाया वीडियो। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत करते हुए कहा था कि आज बच्चा भी डिजिटल ताकत को समझता है, हम इस बदलाव को न समझे तो दुनिया से पीछे रह जाएंगे। पीएम मोदी ने अपना गरबा करते हुए डीप फेक वीडियो वायरल होने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इसमें नया संकट आएगा, ज्यादातर लोगों के पास डीप फेक को कंफर्म करने की सुविधा नहीं है, इससे किसी भी अफवाह को आसानी से फैलाया जा सकता है। अब बता दें कि 2015 से 2023 तक पूरे देश में आम और खास लोगों ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, लेकिन साइबर अपराधी सबसे 4 कदम आगे ही रहे। वहीं अब हाल ही में उत्तर प्रदेश में आज पहली बार डीप फेक और डिजिटल अरेस्ट से ठगी करने के 2 मामले सामने आए। इनमें से एक मामले की पीड़ित इंजीनियर है, जिन्हें आम लोगों के मुकाबले टेक्निकली मजबूत माना जाता है। इससे पता चलता है कि साइबर क्राइम का शिकार कोई भी हो सकता है। तो आप भी अलर्ट रहे, सावधान रहे, किसी पर ऐसे ही विश्वास न करें और अगर आपको कोई संदिग्ध लगे तो तुरंत पुलिस को कॉल करें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिन में छाया अंधेरा, 10 घंटे से बारिश, लखनऊ, झांसी, आगरा में भी बरसात, आज के जिलों में अलर्ट, 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। जी हां, यूपी में बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ में 5 बजे से बारिश हो रही है, वहीं कानपुर में भी तड़के 3 बजे से तेज बरसात हो रही है। कानपुर में दिन में विजिबिलिटी बेहद कम हो गयी, दिन में अंधेरा सा छा गया। इसके अलावा झांसी और आगरा में भी रिमझिम हुई बारिश के बाद ठंडी हवाएं चल रही है। हालांकि अधिकतम तापमान में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में 7 दिसंबर यानी कि अभी 4 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। वहीं आज आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फरकाबाद, हरदोई, सीतापुर, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, जालौन, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, कानपुर नगर, फतेहपुर और रायबरेली में बारिश का अनुमान है। एमपी शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह में बोले सीएम योगी, पंच प्रण ही विकसित भारत की राह। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर राह किसी न किसी मंजिल तक पहुंचाती है, जरूरत सही मंजिल के लिए सही राह चुनने की है। वर्तमान में 142 करोड़ देशवासियों का लक्ष्य देश को विकसित और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है और विकसित व आत्मनिर्भरता की राह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव में दिए गए पंच प्रण से है। बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 91वें संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज परिषद में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सभी बातें कही हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश में साइकिल पंक्चुअर, सपा का खाता तक नहीं खुला, बसपा को मिली 2 सीट, 4 राज्यों के चुनाव रिजल्ट में अखिलेश मायावती कहां, जानिए। जी हां, कल तो इनका जिक्र हुआ नहीं, लेकिन आज आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव परिणाम आ चुके हैं, जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था, और 3 राज्यों में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। तेलंगाना में हार का सामना करना पड़ा है। इन सब के बीच सवाल है कि आखिर यूपी की क्षेत्रीय पार्टियों को कितनी सीटें मिली या इनका प्रदर्शन कैसा रहा। चुनाव आयोग के शाम 6 बजे तक आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी की पार्टी का छत्तीसगढ़ में खाता नहीं खुला। राज्य के विधानसभा चुनाव में बसपा को 2.08% और सपा को 0.04% वोट मिले हैं। राजस्थान की बात करें तो यहां की 199 सीटों पर हुए चुनाव में बसपा ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है, पार्टी को 1.82% वोट मिले। वहीं सपा की बात करें तो 0.01% मत मिले हैं, सपा का खाता तक नहीं खुला। मध्य प्रदेश की बात करें तो 230 सीटों पर हुए चुनाव में बसपा को 3.31% और सपा को 0.46% वोट मिले हैं, सपा बसपा के खाते में 1 भी सीट नहीं गई। अब ये भी आपको बताते चले कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कई रैलियां की थी, अपने प्रत्याशी भी उतारे थे। उत्तर प्रदेश में चंपत राय की अपील, 22 जनवरी के बाद आए अयोध्या, जहां है वहीं पर कीजिए भजन कीर्तन, दरवाजे पर जलाए दिए। जी हां, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी तेज हो गई। इसी बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक्स अकाउंट पर जारी बयान में कहा, हम नहीं जानते अयोध्या में 22 जनवरी को 25,000 लोग आएंगे या
25 लाख लोग। लेकिन हमारा निवेदन यही है कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या आए, आप अपने स्थान पर आनंद मनाइए, भजन कीर्तन कीजिए, त्योहार मनाइए और अपने घरों के दरवाजे दीपक से प्रकाशित करिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मेहमानों को आमंत्रण भेजने का क्रम तेज कर दिया गया है। वाराणसी पहुँचे अखिलेश यादव, बोले जातीय जनगणना होकर रहेगी, हर घर बेरोजगार मांगे रोजगार को मिशन 2024 का नारा बनाएगी सपा। जी हाँ, बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आज एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुँच गए हैं। वे समाजवादी पार्टी की ओर से निर्धारित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, पार्टी पदाधिकारियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर भी रहे हैं। मिशन 2024 के लेकर भी पार्टी नेताओं और सपा कार्यकर्ताओं को मंत्र दे रही है। डीसीपी गोमती के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। सपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी के अनुसार पूर्व सीएम अखिलेश यादव लखनऊ से विशेष विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि हम एक बार फिर से 2024 में ताल ठोकेंगे और हर घर बेरोजगार मांगे रोजगार को मिशन 2024 का नारा बनाएंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान मिल जाता है तो ठीक, वरना छीन लेंगे। साध्वी रितंभरा बोली, मथुरा में जल्द बनेगा भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर। जी हाँ, श्री कृष्ण जन्म स्थान शाहिदगाह विवाद के बीच हिंदूवादी नेता और धर्माचार्य साध्वी रितंभरा का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि आज उन्होंने बातचीत में कहा कि श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में अगर सौहार्द से मिल जाता है तो ठीक, वरना हिंदू समाज अब जाग गया है, वह छीनना जानता है, जल्द ही भगवान श्री कृष्ण को गर्भगृह मिलेगा। साध्वी रितंभरा का बयान ऐसे समय में आ गया है जब श्री कृष्ण जन्म स्थान शाहिदगाह मामले में दाखिल किए गए बाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। यूपी के जिले की सवर्वेद कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर, घर होंगे ध्वस्त। जी हाँ, प्रदूषण नियंत्रण को लेकर लागू ग्रेप 3 खत्म होने के बाद मिनट विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मेडा वीसी अभिषेक पांडे का कहना है कि 31 दिसंबर तक 100 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे पहले की बात करें तो 150 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा चुका है। अब अवैध कॉलोनियों और निर्माण को लेकर युद्ध स्तर पर कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन को इस संबंध में पूर्व में ही सूचना दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों से निकलेंगे विश्वनाथ आनंद, हर स्कूल में बच्चों को खिलाया जाएगा शतरंज। जी, अब बिजनौर जिले के सरकारी स्कूलों से अब शतरंज के विश्वनाथन आनंद निकलेंगे। हर सरकारी स्कूल में बच्चे शतरंज खेलेंगे और खेलने में माहिर होंगे। सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को अध्यापक शतरंज खेलना सिखाएंगे। बहुत जल्द जिला मुख्यालय BSA कार्यालय पर आयोजित कार्यशाला में व्यायाम शिक्षक, ब्लॉक व्यायाम शिक्षक और निदेशकों को शतरंज खेलना सिखाकर इस पहल की शुरुआत की जाएगी। उत्तर प्रदेश में रिजल्ट लोगों के गले नहीं उतर रहा, बीजेपी के जीत पर मायावती की प्रतिक्रिया। जिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर बसपा सुप्रीमो मायावती का आज बयान सामने आ गया। चुनाव परिणाम पर मायावती की पहली प्रतिक्रिया आई है। मायावती ने आज सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा कि चुनाव नतीजों में एक तरफ जीत पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इससे लोगों का अनशकित, अचंभित और चिंतित होना स्वाभाविक है। मायावती ने कहा कि चुनाव परिणाम विचित्र रहे और लोगों के गले नहीं उतर रहा। मायावती ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि देश के 4 राज्यों में अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के आए परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों का शंकित है, अचंभित व चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले से नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल है। सीएम योगी ने सुनी फरियादें, बोले पैसे के अभाव में नहीं रुकेगा किसी का इलाज। जी, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज आमजन की फरियाद सुनने के साथ ही जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। कहा कि किसी का इलाज पैसे के अभाव में नहीं रुकेगा, सभी का समुचित इलाज किया जाएगा। यह भी कहा कि जिन जरूरतमंदों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, उनका कार्ड अभियान चलाकर बनाएं। सीएम योगी ने अफसरों से कहा है कि जो समस्याएं आई हैं उनका निस्तारण करने के साथ ही फीडबैक भी लें। क्या आपका आयुष्मान कार्ड भी बन गया है, कमेंट जरूर करें। 3 राज्यों की जीत यूपी में भाजपा के मिशन को देगी मजबूती, होगी ये रणनीति। जी हाँ, 4 राज्यों में से 3 राज्यों में जीत का परचम फहराने से यूपी में भगवा खेमा उत्साहित है। बता दें आपको कि 2024 में होने वाले फाइनल के लिए यूपी सहित हिंदी पट्टी में पार्टी के लिए मजबूत पिच तैयार कर दी है। यह चुनावी नतीजे अब 2024 के लिए यूपी सहित देश के सियासी दिशा तय करेंगे। 3 राज्यों में चले मोदी मैजिक का असर मिशन 2024 में यूपी में भी तय माना जाने लगा है। चुनावी नतीजों के बाद अब यूपी में भाजपा का चुनावी अभियान और तेज होगा, साथ ही सरकार से लेकर संगठन तक में जल्द इसका असर भी दिखेगा। कांग्रेस की हार से अब इंडिया गठबंधन में पूरी तरह हावी होंगे अखिलेश यादव, अब ऐसी सीट शेयरिंग। जिया, यूपी से बाहर पांव पसारने का सपा का मंसूबा भले ही पूरा न हुआ,
लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस की मौजूदा शिकस्त इंडिया गठबंधन के भीतर दबाव बनाने का जरिया बनेगी। अब यूपी में इंडिया गठबंधन में अखिलेश जब सीट बंटवारा करेंगे, कांग्रेस के हालिया प्रदर्शन को भी सामने रखेंगे। मध्य प्रदेश में पूरी तरह हारने व राजस्थान व छत्तीसगढ़ में सत्ता गवा देने से कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन में माहौल भी बदला हुआ दिखेगा। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर दी है। उन्होंने हार की वजह कांग्रेस के अहंकार को बताया है। सपा सांसद एसटी हसन ने भी कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने अखिलेश यादव का अपमान किया। अब अखिलेश यूपी में इंडिया गठबंधन में सीटों का अपने हिसाब से बंटवारा करेंगे। मोदी मैजिक चुनाव नतीजों से गदगद शेयर बाजार ने रचा नया इतिहास। सेंसेक्स निफ्टी ने बनाया रिकॉर्ड। जी हां, मोदी मैजिक के चलते चार राज्यों में से तीन में भारतीय जनता पार्टी की जीत से निवेशक भी गदगद हैं। चुनाव नतीजों का असर आज शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। बीएसई का सेंसेक्स अपना पिछला ऑल टाइम हाई 67,927.23 को तोड़कर एक नया शिखर 68,587.82 पर पहुंच गया है, जबकि एनएसई के बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 ने भी इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश में सराहनीय कदम, समाज सेवी महिलाओं ने गरीब का घर किया रोशन, 45,000 से अधिक का बिजली बिल किया जमा। जी हाथरस में महिला समाज सेवी संगठन इनर व्हील क्लब ऑफ हाथरस राल ने गरीब परिवार का बकाया 45,755 रुपए का बिजली बिल जमा किया है। वहीं गरीब की तीन बेटियों को पढ़ाए जाने की जिम्मेदारी भी ली है। शहर के मोहल्ला खंडारी गढ़ी निवासी एक गरीब परिवार को महिला समाज सेवियों ने रोशन करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए बकाया बिजली बिल जमा कर कनेक्शन बहाल करा, नया मीटर भी लगवाया। उत्तर प्रदेश के बरेली में 138 इंस्पेक्टर के तबादले, 9 महिलाओं के मारे जाने से चर्चित शाही के दरोगा भी बदले। जिया बरेली के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। आधी रात के बाद एसएसपी घूले सुशील चंद्रभान ने तबादला एक्सप्रेस दौड़ाई। जिले में 138 सब इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए हैं। 2 एसएसआई को चौकी इंचार्ज बनाया गया है। शहर से लेकर देहात तक के कई थानों में फेरबदल हुआ। कई चौकी प्रभारी शहर से दूर देहात भेजे गए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में न्यूटीमा विवाद, सपा विधायक अतुल प्रधान अनशन पर बैठे, कलेक्ट्रेट में भारी फोर्स तैनात, निगम ने उतरवाई बैनर। जी हां, मेरठ में न्यूटीमा हॉस्पिटल के खिलाफ सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान कलेक्ट्रेट में समर्थकों के साथ आज आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं। उन्होंने शहर में जगह जगह इससे संबंधित बैनर भी लगवाए हुए हैं, जिन्हें आज निगम की टीम ने उतरवा दिया। विधायक अतुल प्रधान का कहना है कि निजी अस्पतालों में लूट हो रही है, देहात के लोग डॉक्टरों की लूट से परेशान हैं। इसको लेकर उनकी लड़ाई निजी अस्पताल चलाने वाले डॉक्टरों से है। उनका कहना है कि शहर में कई निजी अस्पतालों में कोड देकर मेडिकल से दवाई दी जाती है और वहीं अस्पतालों में चार चार गुना पैसा लिया जाता है।